तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में कुछ जिसमें एक और फिर से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 24 जून के करंट अफेयर के बारे में। 24 जून के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं 24 जून के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो आज का सबसे पहला न्यूज़ क्या है वो देखते हैं। इंडियाज ओवरऑल स्किल प्रोफेशनली हैज स्लिप्ड 4 प्लेस टू बी रैंक्ड एट 68th पोजिशन ग्लोबली इन द कोर्सिया ग्लोबल स्किल रिपोर्ट GSR। ठीक है, जैसा विच कंट्री हैज टॉप्ड इन दिस रिपोर्ट, मतलब कि इंडिया का जो स्किल रिपोर्ट वगैरह जो पब्लिश हुआ है किसके द्वारा, ठीक है, कोर्सिया के, किसके द्वारा, कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट के द्वारा जो भी रिपोर्ट पब्लिश हुआ है स्किल रिपोर्ट, उसमें इंडिया चार चार पोजिशन में पीछे आ गया। ठीक है, आप कितने पोजिशन पर है? आप 68 पोजिशन पर है। और इसमें टॉप पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड। इसमें टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा है कि स्विट्जरलैंड हैज हाइस्ट स्किल लर्नर फॉलोड बाई किसको, उसको क्या है, डेनमार्क, इंडोनेशिया और बेंगलुरु। उसके बाद डेनमार्क, इंडोनेशिया और बेल्जियम। और अगर बात करें इंडिया में कौन सा अपना स्टेट जो है वो बहुत आगे है, वो कौन सा अपना स्टेट बहुत ज़्यादा बहुत आगे है सबसे स्किल में नंबर वन पे है, तो कौन है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है इंडिया में नंबर वन पे है। ठीक है, और टॉप थ्री में कौन है? आंध्र प्रदेश भी आता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला वैसे बात हुआ रिपोर्ट वगैरह के बारे में। तो कुछ भी रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में मैंने चर्चा किया था, आज भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 150। ठीक है, और टॉप पे कौन है? नॉर्वे। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में, ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है? 3rd नंबर पर रैंक है। ठीक है, उसके बाद WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 54। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट इंडेक्स में 180 और डेनमार्क टॉप पे। ठीक है, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में 37 और डेनमार्क इसमें भी टॉप पे है। मतलब डेनमार्क एक दो है, एक ऐसा है जिसमें वो टॉप पे जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD इंडिया रीजनल ऑफिस गिफ्ट सिटी। मतलब कि गिफ्ट सिटी में जो इंडिया रीजनल ऑफिस जो बन रहा है, ठीक है, नया न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का उसमें डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है, किसको अपॉइंट किया गया? डॉक्टर DJ पंदन। ठीक है, डॉक्टर DJ पंदन को अपॉइंट किया गया है, क्या, न्यू डायरेक्टर जनरल, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, अब बात रहा इसमें कितने कंट्री के मेंबरशिप है। तो पहले ब्रिक्स कंट्री, कौन कौन, पूरा पूरा ब्रिक्स कंट्री, मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद कौन कौन है, बांग्लादेश भी है, यह है, UAE भी है, ठीक है, फिर उरुग्वे है और इजिप्ट है। ठीक है, और बात रहा बैंक के बाद इसका प्रेसिडेंट कौन है, इसका प्रेसिडेंट है मार्को जो कि ब्राज़ील के हैं, और वाइस प्रेसिडेंट अनिल कोसरा जो कि इंडियन है। ठीक है, इसका फाउंडेड कब किया गया था, किया था 2015 में, इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो इन्हें डायरेक्टर जो जनरल बनाया गया है वो पहले कहाँ काम कर चुके हैं, वो पहले वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इन्वेस्टमेंट बैंक के बैंक चीफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो काम कर चुके हैं, किसके, AIIB के, मतलब एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला क्या, हु विल लीड इंडिया इन FIH वोमेन हॉकी वर्ल्ड कप। मतलब इंडिया FIH वोमेन हॉकी वर्ल्ड कप में को लीड कौन करेगा, मतलब कैप्टन के तौर पे कौन रहेगा, तो कौन रहेगा, सविता रहेगी। ठीक, तो कौन रहेगी, सविता रहेगी, जो इंडिया के हॉकी की टीम, हॉकी इंडिया जो हॉकी हो रहा है वर्ल्ड कप हो रहा है FIH वर्ल्ड कप। ठीक है, उसमें, ठीक है, और ये कब से शुरू होगा, तो एक जुलाई 2017 से, एक से जुलाई 1 से 17 तक ये चलेगा, ये जो वर्ल्ड कप है 1 जुलाई 1 से 17 तक चलेगा। और कहाँ पे चलेगा, नीदरलैंड और स्पेन में, कहाँ पे, नीदरलैंड और स्पेन में चलेगा। ठीक है, तो बात तो यहाँ पे बात रहा। ठीक है, और आप यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि ये जो हॉकी के जो कैप्टन है वो तो रानी रामपाल, कौन है, रानी रामपाल है, लेकिन इनको कुछ इंजरी होने के कारण कैप्टन किनको बनाया गया है, सविता को कैप्टन बनाया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन। मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन के पहला प्रेसिडेंट, वोमेन प्रेसिडेंट कौन, किसे बनाया गया है, किसे बनाया गया, लीता अस्थालेकर, किसका, लिसा अस्थालेकर को बनाया गया। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं वो हम सारे कुछ यहाँ पर देख लें। ठीक है, पहले बात ये किसके
किसके प्रेसिडेंट में बनाया गया है, तो FIC, FIC का मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है, ठीक है। और ये अपने समय में ये अपने समय में 2001 से 2013 तक क्या 8 टेस्ट, 125 ODI और 54 T20 खेल चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के तरफ से, ठीक है। और ये पहली ऐसा वोमेन रह चुकी हैं जिन्होंने 1000 रन स्कोर किया, ठीक है, और 100 विकेट ODI में ली है। चलिए अगला देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्टर हैज इन आर्ग्यूड द सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी इन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी बनाने का शुरुआत किस कौन से मिनिस्टर ने किया, मिनिस्टर का नाम क्या है, तो कौन कहना जितेंद्र सिंह। और ये जो सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या होना, जो भूकंप भूकंप वगैरह से रिलेटेड कोई ऑफिस वगैरह जो बनाया जा रहा है उसके मतलब सिस्मोलॉजी का मतलब होता है भूकंप से रिलेटेड कुछ ऑफिस जो है भूकंप वगैरह के बारे में कुछ कुछ चर्चा किया जाए, उस पर कुछ किया जाए, उस पर वर्क किया जाएगा कि कहाँ पर भूकंप क्या है, कि रिएक्टर्स पर कितना मापा वगैरह जाएगा, इस चीज़ के बारे में चर्चा किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, शुरुआत कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में, और कौन कर रहे हैं, तो जितेंद्र सिंह जो जो कि नेता है उनके द्वारा किया जा रहा है, वो यूनियन मिनिस्टर है, क्या यूनियन मिनिस्टर है, उनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इसमें पूरा लागत जो बोल रहा है कि 20 लाख रुपए का इसमें लागत होगा, और टोटल टोटल 152 अर्थक्वेक ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा ऑल ओवर द इंडिया में, ठीक है। अच्छा, अब बात रहा कश्मीर, तक कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर होता है, कश्मीर तो कैपिटल कहा, उसका कैपिटल क्या हो गया, श्रीनगर, समर में विंटर में जम्मू, ठीक है। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, मनोज सिन्हा। अगला देखिए, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन इंडियाज फर्स्ट इवर डार्क स्काई रिजर्व, मतलब कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो लोग इंडिया का जो कि इंडिया का पहला, ठीक, डार्क स्काई रिजर्व रहेगा, ठीक है। कहाँ पर कहाँ का रहेगा, तो वो देखिए चांथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या चांथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ पर पड़ेगा, तो ये पड़ेगा लद्दाख में, ठीक है। और ये इंडिया का पहला रहेगा, और ये किसको प्रमोट करेगा, तो एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को प्रमोट करेगा, ठीक है। और ये इंडिया का पहला होने वाला है, और बात रहा वर्ल्ड का पहला, तो वर्ल्ड का पहला क्या हुआ था, तो वर्ल्ड का पहला 1993 में, ठीक है, इसका नाम क्या था, मिचिगन, इसका नाम क्या था, मिचिगन था। और ये कहाँ का था, यूनाइटेड स्टेट का, कहाँ का था, यूनाइटेड स्टेट का था, ठीक है, पहला डार्क स्काई रिजर्व, ठीक है। अगला देखिए, हु हैज़ बिन सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन ऑफ फॉर द एडमिशन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट वोमन NDA बैच, मतलब कि जो कि NDA बैच जो शुरू होने वाला था, NDA का जो एग्ज़ाम वगैरह होने वाला था ठीक है, तो उसको उसका एग्ज़ाम वगैरह भी हो गया, रिजल्ट वगैरह भी हो गया, ठीक है। तो उसमें गर्ल्स में, उसमें वोमेंस में टॉप पे कौन आई है, टॉप में कौन आई है, उसका नाम है सनान धागा, कौन है, सनान धागा, ठीक है, जो कि कहाँ, सनान ढागा, वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो हरियाणा के रहने वाले हैं, जो कि मात्र 19 साल के हैं, ठीक है, जिन्होंने NDA में टॉप किया है, ठीक है। अगला देखिए, कल्चरल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्च ज्योति गामा फेस्टिवल न्यू दिल्ली, मतलब कि जी किशन रेड्डी ने ज्योति गामाया फेस्टिवल लॉन्च किया न्यू दिल्ली में, ठीक है। जो क्या क्या लॉन्च किया है, ज्योति गामाया फेस्टिवल लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में, और ये क्यों लॉन्च हुआ है, ठीक है, और ये क्यों लॉन्च हुआ है, क्यों इसका मेन कारण क्या था लॉन्च होने का, ठीक है, वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर पहले देखें कि जो भी पुराने इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट आने के कारण, जो पुराने इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, उनको विलुप्त किया जा रहा है, उनको उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कहने कि उस चीज़ को यहाँ पर याद दिलाने के लिए, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर वो चीज़ ये चीज़ किया जा रहा है, ठीक है, ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है ज्योति गमाया, ठीक है। अगला देखिए, शाबाश मिट्ठू अ डैश डैश स्टार बायोपिक ऑफ फॉर्मर इंडियाज वोमेन क्रिकेट टीम कैप्टन मिताली राज, मतलब एक शाबाश मिट्ठू नाम का एक बायोपिक रिलीज होने वाला है, फिल्म बनने वाला है, ठीक है। वो किसका बायोपिक होगा, तो इंडियाज वोमेन जो क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है मिताली राज, उन्हीं के नाम पे ये लॉन्च होने वाला है, उनके नाम पे ये क्या होने वाला है, उनके नाम पे ये एक मूवी वगैरह बनने वाला है, ठीक है। जो जो मिताली राज, मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको, जिन्होंने क्या संन्यास वगैरह ले लिया था क्रिकेट से, ठीक है, वोमेंस क्रिकेट से संन्यास वगैरह ले लिया था, उन पे एक क्या होने वाला है, उन पे एक बायोपिक वगैरह होने वाला है, ठीक है। तो उस पे जो मेन रोल करेगा, तो मेन जो रोल का नाम क्या है, तपास
क्या नाम है, तपासे पन्नू, ठीक है, तपासे पन्नू नाम है, ठीक है। इसके फिल्म मेकर जो है उनका नाम क्या है, श्रीजीत मुखर्जी, श्रीजीत मुखर्जी फिल्म मेकर वगैरह हैं इसके, ठीक है। और इसमें जो साउंड जो डिजाइन किया जाएगा उसके किसके द्वारा, एकेडमी अवार्ड विनर रसूल पाकोटी के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, नेम द ऑथर ऑफ द बुक अस्तंग योगा, मतलब अभी जो योगा वगैरह हुआ था वो हुआ था उसमें एक बुक आया अस्तंग योगा, ठीक है। उसके उसके ऑथर, उसके राइटर का नाम क्या है, उसके राइटर का नाम क्या है, उसके राइटर का नाम सोनू फोगाट, कौन, राइटर का नाम सोनू फोगाट, ठीक है। और इससे और ये जो है ना, ये आठवां जो इंटरनेशनल नेशनल जो योगा हुआ था उसमें उसमें इसे इस बुक को लॉन्च वाय भी किया गया, ठीक है। जो इंटरनेशनल जो हुआ था हरियाणा में उसमें इसको लॉन्च वाय भी किया गया है। अगला देखिए, अगला क्या है, G24 इंडिया कम्युनिकेशन सेटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च बाय इसरो, मतलब G24 जो इंडिया का कम्युनिकेशन सेटेलाइट है जो इसरो के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। अच्छा, ये ये ये, ये जो सेटेलाइट लॉन्च किया गया है वो किसके लिए लॉन्च किया है, वो जो टाटा वगैरह का जो टाटा जो है उसके लिए लॉन्च किया गया है, जो टाटा DTH वगैरह है उस टाटा है उसके लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये क्या है, नॉन गवर्नमेंटल है, ठीक है। ये डिमांड है, मतलब कि डिमांड पे क्या है कि नहीं है हमको ये चाहिए तो इसको लॉन्च कर देगा। इसे कहाँ, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, इसको साउथ अमेरिका से लॉन्च किया है, ठीक है। कुरियन इन्फ्रेंच जुनेवा एंड एरिन 5 रॉकेट के द्वारा साउथ अमेरिका से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये सेटेलाइट है वो कहाँ पर डेवलप किया गया था, कहाँ पर बनाया गया था, तो वो इसरो के द्वारा बनाया गया था, मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, NSIL के लिए, ठीक है, NSIL के लिए, ठीक है। बात अब बात इसके बारे में तो चर्चा कर लेते हैं। G24 का वजन कितना था, 4,180 किलो, ठीक है। और ये ऐसा सेटेलाइट है कि जो कि पूरे पैन इंडिया को कवर करेगा, क्या करेगा, पूरे पैन इंडिया को कवर करेगा, ठीक है। और ये पहला ऐसा सेटेलाइट है, पहला ऐसा बनाया किसके किसके द्वारा गया था, तो ये इसरो के द्वारा बनाया गया था, है। और ये पहला ऐसा सेटेलाइट जो कि डिमांड ड्राइवर है, ठीक है। चलिए, हो गया इतना, अब आगे थोड़ा देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हाँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।